फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करी पत्ता हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी रसोई में कई ऐसे मसाले पाए जाते हैं जिनका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है, जिसमें से एक है करी पत्ता। करी पत्ता में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो एनीमिया के खतरे को कम करने में फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा भी ज्यादा है, जो शरीर के लिए जरूरी है। शुगर कंट्रोल करने के लिए करी पत्ते का सेवन करने से फायदा होता है। करी पत्ते में जो फाइबर होता है, जिससे पेट के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। करी पत्ता हमारी पाचक क्रिया भी सही रखता है। करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स में मदद करते हैं। करी पत्ता खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। सुबह सुबह खाली पेट करी पत्ते का जूस पी के एक्सरसाइज करने से वजन कम होता है। हेयर फॉल होना, सफ़ेद बाल जैसे प्रॉब्लम्स में हम करी पत्ते का ऑयल यूज कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फायदेमंद करी पत्ता हम खाना खाते समय इजीली बाहर निकाल देते हैं। तो आज ऐसी करी पत्ते की एक रेसिपी देखते हैं, जिससे करी पत्ता भी प्लेट से बाहर ना जाए और हमें उसके स्वाद के साथ साथ फायदा भी मिले। तो आइए देखते हैं करी पत्ते की चटनी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी करी पत्ता, थोड़ी सी दालें, स्वादानुसार नमक, हींग और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले पैन में करी पत्ता डालें और उसको अच्छी तरह से भून लें। हमें करी पत्ते को पूरा क्रंची होने तक भूनना है। ध्यान रखें, करी पत्ता जल ना जाए, इसलिए स्लो गैस पे ही भून लें। करी पत्ता भूनने के बाद दालें हल्की गर्म होने तक भूनें। बाद में मिक्सी में करी पत्ता, भुनी हुई दालें, नमक, हींग और लाल मिर्च पाउडर डालकर बारीक पीस लें। तैयार है करी पत्ते की चटनी।